आज की वीडियो एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। सवाल वह जो आप हम बल्कि कानून से नाता रखने वाले हर इंसान के सामने रोज अदालतों में आता है। सवाल है कि जो एविडेंस गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया हो तो क्या उसे कोर्ट में लगा देने से वह मान्य बन जाएगा? यदि कोर्ट भी जान जाए कि जो एविडेंस उसके सामने रिकॉर्ड पर लगाया गया है वह गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया है तो भी क्या कोर्ट उसको मानने से इनकार कर सकता है? इन परिस्थितियों में किस कानून का कौन सा प्रावधान लागू होगा? यदि समस्या अभी स्पष्ट नहीं हुई है तो इसे अधिक स्पष्ट अभी करते हैं। उदाहरण के लिए, रीमा ने गोप के ऊपर रेप का आरोप लगाया है। गोप बेल पर बाहर आ गया है। बाहर आकर उसने रीमा का मोबाइल चुरा लिया है। उस चुराए गए मोबाइल में से उसको रिकॉर्डेड बातचीत मिलती है जिससे यह पता चलता है कि रीमा ने हितेश के साथ साजिश रचकर तब गोप के ऊपर आरोप लगाया था। ऐसा भी संभव हो सकता है कि गोप को यह बातचीत भी मिलती है कि गोप से पहले भी रीमा ने रजत के ऊपर, सरस के ऊपर, जतिन के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाकर पैसे ऐंठ लिए थे। तो सवाल है कि यह जो चोरी से हासिल किया गया एविडेंस है, जो रीमा के मोबाइल से चुराकर उससे निकाला गया एविडेंस है, यह क्या कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगा? कोर्ट उसे रिकॉर्ड पर लेगा और लेकर क्या गोप की बात मानेगा और गोप को रिलीफ देगा? क्या कोर्ट उसको रिकॉर्ड पर लिया जाना मंजूर करेगा? पिछले दिनों यमुनानगर की कोर्ट में एक केस आया था। पत्नी ने पति के ऊपर अनेक आरोप लगाकर उसकी डाइवोर्स पिटीशन का विरोध किया था। पति उस पत्नी के जीमेल अकाउंट का पासवर्ड जानता था, अतः उसने पत्नी की गूगल ड्राइव की सारी फाइलें हैक कर ली थी और कोर्ट में पेश कर दी थी। उसने कहा था कि वह पत्नी कई पुरुषों के साथ संबंध रख रही है, अतः यह डाइवोर्स का एक मुनासिब केस है। पति ने कहा कि ऐसी पत्नी से उसको तलाक दिया जाना चाहिए, जबकि पत्नी का आरोप था कि यह एविडेंस उसकी निजता का उल्लंघन करके, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करके गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया है, इसलिए उसे एडमिसिबल ना माना जाए। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। सवाल है कि भारत में एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के कानून का क्या स्रोत है? और जवाब है, भारत के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व में आने से पहले यहाँ ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल हाईएस्ट जुडिशियल फोरम होती थी। 1955 का उसी प्रिवी काउंसिल का एक निर्णय है, कुरुमा वर्सेस द क्वीन 1955 एसी 197। इसमें पहली बार यह सवाल पैदा हुआ था कि यदि एविडेंस का स्रोत गैर कानूनी है तो क्या उस एविडेंस को कानूनी रूप से कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि यदि एविडेंस एडमिसिबल है तो कोर्ट को यह देखने की जरूरत नहीं है कि वह कहां से हासिल किया गया है। यदि वह मारपीट करके, पुलिस द्वारा जबरदस्ती करके भी हासिल किया गया हो लेकिन एडमिसिबल हो तो ऐसे कानून को कोर्ट ले लेगा। इस तरह से भारत में अंग्रेजों के टाइम से यह कानून शुरू हो गया था कि जो भी एविडेंस आपके हाथ में है यदि उसमें कुछ मतलब की बात है तो यह मत देखो कि वह कहां से हासिल किया गया है और कैसे हासिल किया गया है। वस्तुतः यह अंग्रेजों के हाथ में भारतीयों के ऊपर नियंत्रण करने का एक औजार था। किसी भी तरीके से किसी क्रांतिकारी का कोई सबूत हाथ लग जाए तो उसे इस्तेमाल कर डालो और बिना किसी चीज की परवाह किए हुए इस्तेमाल कर डालो। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के बन जाने के बाद क्या भारत का कानून बदल गया था? और जवाब है, नहीं। शुरुआती दिनों में प्रिवी काउंसिल का यही कानून 1974 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णमल वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 348 में सही ठहराया था। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें रेलिवेंसी है या नहीं है। आपको याद होगा कि ट्रायल के दौरान कौन एविडेंस रेलिवेंट होता है और कौन सा नहीं होता है, इस बाबत हमने आपको बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट पर हमने एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देखकर समझ लीजिएगा। किसी एविडेंस को यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह गैर कानूनी सर्च एंड सीजर के द्वारा हासिल किया गया था। हाँ, मामूली परिवर्तन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि इस एविडेंस को गैर कानूनी सर्च एंड सीजर से हासिल किया गया है तो भी यह बरामद साक्ष्य इस्तेमाल किए जाने के योग्य है। संविधान में ऐसा कोई अधिकार नहीं है
ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो इस एविडेंस को इस्तेमाल किए जाने से रोकता हो। किसी भी एविडेंस को केवल रेलेवेंसी के आधार पर ही स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। कमोबेश सभी केसेस में भारतीय कानून की यही स्थिति अभी हाल तक चलती रही है। क्या कानून में कुछ थोड़ा बहुत भी परिवर्तन कभी हुआ है? भारत में कानून की यही स्थिति चलती आ रही थी कि 1999 में NDPS का एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह 1999 6 SCC 172। उसमें कोर्ट के सामने सवाल था कि यदि पुलिस ने किसी आरोपी के ऊपर गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स बरामद हुई दिखा दी हो तो क्या उस एविडेंस को भी एडमिसिबल माना जाएगा। आप सभी व्यूअर्स को यह तो ध्यान में होगा ही कि NDPS एक्ट में सेक्शन 50 में आरोपी के पास यह चुनने का अधिकार होता है कि उसकी तलाशी जो व्यक्तिगत तलाशी हो क्या गैजेटेड अफसर के सामने हो। सेक्शन 50 में लिखा हुआ है कि पुलिस IO आरोपी को इस चुनाव का अधिकार देगा। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह वाले केस में पुलिस IO ने आरोपी को यह जानकारी ना देकर उसके ऊपर ड्रग्स की बरामदगी दिखा दी थी। कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा करना गलत है। सेक्शन 50 NDPS एक्ट आरोपी को एक प्रोसीजरल राइट देता है, इसलिए यदि पुलिस IO आरोपी के उस अधिकार को नहीं मानता है तो यह कानून का उल्लंघन होगा जिसकी इजाजत कोर्ट में नहीं दी जा सकती है। और इस तरह यह पहला केस बन गया जिसमें कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से हासिल हुए एविडेंस को रिकॉर्ड पर लेने से मना कर दिया था। सवाल है कि ड्रग्स वगैरह के लिए तो पूरा कानून बना हुआ है, जहां कानून स्पष्ट रूप से नहीं बना हुआ है वहां एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की क्या स्थिति है? जवाब है, इस दौरान कई VIP लोगों के फोन टैपिंग के मामले सामने आने शुरू हो गए। एक मामला कोर्ट में आया पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 1 SCC 301 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेलीफोन पर बात करने की आजादी एक फंडामेंटल राइट है और इसे सरकार के द्वारा हनन नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति द्वारा दूसरे साधारण व्यक्ति का एविडेंस चुराकर कोर्ट में लगा दिए जाने की बाबत कोर्ट ने कोई भी बंदिश नहीं लगाई थी। अगला सवाल है कि राइट टू प्राइवेसी क्या होता है? क्या यह चोरी के एविडेंस को कोर्ट में एडमिसिबल किए जाने से रोकता है? हमारा अपना जवाब है जो हमारे निगाह से बनता है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राइट टू प्राइवेसी किसका है। यदि एक न्यूज चैनल चलाने वाले का है तो एकदम से रिलीफ मिलता है और अदालत गहरा विश्लेषण करके उसे प्रदान करती है। हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस KS पुट्टास्वामी जब अपने राइट टू प्राइवेसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है और फैसले का नाम है जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 10 SCC 1। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था क्योंकि नागरिकों के पास अपना पर्सनल डेटा का सुरक्षित रखने का अधिकार होता है, इसलिए उनकी यह विवेक सम्मत उम्मीद होती है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें सरकारी धौंसपट्टी वाली सर्च एंड सीजर से बचाया जाए। गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई जानकारी को कोर्ट में एडमिसिबल करने की आजादी नहीं दी जानी चाहिए। सवाल है कि तो क्या अब कोई किसी व्यक्ति से चुराई गई जानकारी को कोर्ट में लगाएगा तो क्या कोर्ट उसे अलाउ नहीं करेगा? अभी हमने निवेदन किया था कि यहाँ कानून पक्षों का चेहरा देखता है और वैसा ही फैसला प्राय देखने में आता है। राफेल विमान सौदे वाले केस में यही सवाल फिर से उठा था और कोर्ट ने, जैसे एक कहावत है ना, उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, वैसा ही करते हुए लगभग वही स्थिति बहाल कर दी जो प्रिवी काउंसिल वाले केस में थी और जिस पर 1974 वाला पूरणमल वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन का निर्णय आधारित किया गया था। राफेल विमान वाले इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट में एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस तय करने का आधार केवल रेलिवेंसी है। यदि एविडेंस किसी भी तरह से रेलिवेंट है तो उसे कोर्ट में दाखिल कर दिया जा सकता है और यदि रेलिवेंट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा एविडेंस जो रेलिवेंट है उसे कोर्ट से बाहर निकालने के लिए संविधान या कानून की कोई रोक होनी चाहिए, जैसे सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट होता है जहां रिकवरी पर कानून की स्वीकारोक्ति दी गई है, या सेक्शन 50 NDPS एक्ट होता है जहां पर कानून की रोक काम करती है। यदि कोई कानूनी रोक नहीं है तो कोर्ट हर एक रेलिवेंट एविडेंस को एडमिसिबल मान सकता है, यानी कि जो सबूत प्रासंगिक लगता है उसको रिकॉर्ड पर ले सकता है और उसकी प्रारंभिक जांच कर सकता है। प्रासंगिक सबूत को चाहे वह चुराकर मारपीट करके कैसे भी रिकॉर्ड तक ले आया जाए, कोर्ट उसे अपने हिसाब से परखेगा जरूर। सवाल है कि महिलाओं द्वारा झूठे आरोपों में फंसाए गए सब लोगों को क्या उनके अकाउंट हैक करवाकर अपना एविडेंस निकाल लेना चाहिए? हमारा जवाब है बिल्कुल नहीं।
भारत में कानून और कानून के फैसले कोर्ट्स के द्वारा रोज बदले जाते हैं, जैसे कि मैगजीन के मासिक अंक निकलते हैं। यहाँ के अनेक ऊंचे नाम वाले जज लोग अखबारों में लेख लिखकर चिंता जताते हैं कि अदालतों में कन्विक्शन रेट को गिरने से कैसे रोका जाए। वे कई बार जुडिशरी के बजाय प्रोसिक्यूशन के प्रमुख अधिक नजर आते हैं। सरकार के आगे से और घोड़े के पीछे से बचकर निकला जाए तो ज्यादा बुद्धिमानी की बात होती है। सवाल है कि सुरक्षित बचने का फिर और क्या तरीका बाकी बचता है, और हमारा जवाब है वह तरीका है इंडियन लीगल सिस्टम और इसकी कानूनी सहायता। हम आपको क्रॉस एग्जामिनेशन देंगे और इस बात का कोई कारण ही नहीं है कि झूठी गवाही देने वाला कोर्ट में टूट ना जाए। हमारे सवालों से कोई भी झूठा गवाह बच नहीं सकता है, इसलिए किसी भी केस को अगर आप उससे सुरक्षित बचाव चाहते हैं तो हमारे क्रॉस को तो इस्तेमाल करना ही होगा। यही आपकी जीत को सुनिश्चित करेगा। झूठ बोलने वाले अपनी जान बचाते घूमेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।